अच्छा, 10th में कितनी परसेंटेज थी? तो 10th में वैसे तो तो गाइडेंस कैसे मिला? शुरू से कुछ था सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है जी। तो जो बच्चे साथ में आपके तैयारी कर रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ अभी या अभी वो तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, आपका आगे क्या प्लान है? सीपीओ के बाद आप सीजीएल पे फोकस करेंगे या इसी में रैंक सुधार लाएंगे? मतलब बेल्ट की नौकरी चाहिए या आपको कैसी? वंदे मातरम, जय हिंद। और सीपीओ की सिलेक्शन की श्रृंखला में एक और सफल कैंडिडेट बादल शर्मा हमारे साथ हैं। जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया, 301 रैंक ये लेकर आए और सीआईएसएफ इन्हें मिला है। मतलब तैयारी ऐसा नहीं है, बहुत समय से कर रहे थे, तैयारी का जो टेन्योर है वो भी बहुत थोड़ा था, पहले ही कोई एग्जाम दिया वही निकल गया, तो कॉन्फिडेंस और बड़ा हो जाता है जब जिंदगी में आप कोई ऐसा काम करें जिसे आप करना चाहें और पहले अटेम्प्ट में आप उसे सफलता प्राप्त करें। तो बादल बेटा, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और कैरिवल की जो टीम है, पूरी टीम आपको बधाई देती है। मुझे ये बताइए कि तैयारी आपने कब से करना शुरू किया था? सर, मैंने तैयारी जून 2022 में शुरू की थी। मैंने गूगल पे आपको सर्च किया था, बेस्ट टीचर फॉर इंग्लिश, बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग, उसमें मुझे दिखा सर अरुण सर का नाम, जयदीप सर का नाम। अच्छा, जानते नहीं थे वैसे? नहीं सर, मैं पहले बिल्कुल, मुझे एसएससी के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। बस वो तभी शुरुआत की थी, तो फिर मैंने आपका बैच खरीदा, जयदीप सर का बैच खरीदा। तो गूगल पे आपने बेस्ट टीचर रीजनिंग, बेस्ट टीचर इंग्लिश किया जी सर। तो कैरियर किस पर कैसे पहुंचे फिर? सर वो दिखा रहा था कि अरुण सर रीजनिंग कैरियर वाले ऐप पे, फिर मैंने आपके बारे में सर्च किया, थोड़ा पोर्टफोलियो देखा, फिर मैंने आपकी यूट्यूब से एक दो क्लासेस भी देखी, मुझे पढ़ाई का तरीका बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ में आया, फिर मैंने बैच खरीदा 7 जून 2022 को, और उसके बाद तैयारी शुरू करती 7 जून 2022 को। अच्छा, करंटली वो बैच खरीदा जी सर। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा कैरिवल पे, या बैच आपने लिया होगा? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा बेस बिल्कुल क्लियर नहीं था, मैं 10th तक बहुत मीडियोकर बच्चा था, तो जिस हिसाब से सर ने समझाया, आपने समझाया, इंग्लिश मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, पहले मैंने एयरफोर्स की तैयारी की थी उसमें मैं इंग्लिश की वजह से ही रह गया था, तो जब मैंने इंग्लिश का सर का देखा, आपका देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बेस से तैयारी शुरू करा रहे थे बिल्कुल, तो फिर मेरे समझ आने लगा और वहीं से। अच्छा, 10th में कितनी परसेंटेज थी? 10th में वैसे तो 9.2 CGPA थी, लेकिन 10th से पहले मैं 9th तक बिल्कुल मीडियोकर बच्चा था, 10th में ही मैंने थोड़ा पढ़ाई शुरू की थी। तो पढ़ाई 10th की गवर्नमेंट स्कूल में थी, प्राइवेट नहीं में? सर प्राइवेट में थी, प्राइवेट स्कूल में थी। पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी आर्मी से रिटायर्ड है। आर्मी से रिटायर्ड, आर्मी में सर्विस पूरी करके या बीच में? पूरी करके आए थे, उनको डॉक्टर ने रिलीज कर दिया था, डॉक्टर की प्रेफरेंस पे कि आप, उनको डायबिटीज है तो कैटेगरी में आ जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप अब जा सकते हैं, आपकी सेवा कंप्लीट हो गई है, तब आए थे। और मदर क्या करती हैं आपकी? मदर सर हाउस वाइफ हैं, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो पिताजी की तो पोस्टिंग तकरीबन बाहर रही होगी आपकी? जी सर बिल्कुल बाहर रही है। तो गाइडेंस कैसे मिला? शुरू से कुछ था सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है? जी सर, 12th के बाद सोचा था कि सरकारी की तैयारी करूंगा, मैंने DU में एडमिशन ले लिया था, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स। कौन से कॉलेज में? ANDC कॉलेज है सर, कालकाजी में। तो वहाँ पे मुझे लगा कि BSc आसान होती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने बच्चे होते हैं वो BSc ले लेते हैं, तो आसानी से पास हो जाते हैं, मुझे लगा आसान होती होगी, मैं तैयारी भी कर लूंगा, लेकिन वहाँ जाके पता लगा कि नहीं, इतना आसान नहीं होता। उसके दौरान फिर मैंने एयरफोर्स की तैयारी की, उसके बाद आर्मी का फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई किया, लेकिन वो जो अग्निवीर वाली स्कीम होती है उसमें मेरा रह गया, वो अग्निवीर आ गया था। उसके बाद फिर मैंने SSC के बारे में सोचा, तो कॉलेज खत्म होने के बाद। तो ग्रेजुएशन में BSc से ही किया आपने फिर? जी सर। तो काफी मेहनत करनी पड़ी उसमें? उसमें काफी मेहनत करनी पड़ी, फिर मुझे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, यहीं पे रह के दिन रात पढ़ाई की, तब जाके कॉलेज क्लियर हुआ। अच्छा, तब जाके कॉलेज क्लियर हुआ। तो फिर आपने आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करी? जी सर। तो और भी कोई साथी था आपके सर्कल में जो तैयारी कर रहा था? हम चार लड़के फ्लैट पे रहते थे, तो मेरा एक दोस्त है योगेश, उसने ही मुझे मोटिवेट किया था, उसने कहा था तू अच्छा खासा पढ़ सकता है, तू क्यों 10th बेस जॉब्स के पीछे पड़ा है, कुछ अच्छा ग्रेजुएशन बेस का तैयारी कर। तो तब मैंने सोचा कि चलो SSC करते हैं। फिर हम दो दोस्त थे, हम दोनों ने तैयारी का सोचा था, और हमें बुक्स वगैरह नहीं पता थी, हम दिल्ली रहते थे, एक न्यू सड़क या कुछ पुरानी सड़क के नाम से रोड है, वहाँ पे हम बुक लेने चले गए, हमें उसने कुछ ऐसे ही चिपका दिया उल्टी सीधी बुक, वो बाद में जब तैयारी की जब पता चला कि ये कोई काम की नहीं है, फिर आपकी बुक्स खरीदी हमने और प्रीवियस ईयर खरीदी तब। तो जो बच्चे साथ में आपके तैयारी कर रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ अभी या अभी वो तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, वो अभी कर रहे हैं, उसका CPO में हाइट कम है मेरे दोस्त की, तो वो CGL की करेगा इस बार, CGL की तैयारी करेंगे। अच्छा, आपका आगे क्या प्लान है? सीपीओ के बाद आप सीजीएल पे फोकस करेंगे या इसी में रैंक सुधार लाएंगे? मतलब बेल्ट की नौकरी चाहिए या आपको कैसी प्राप्त? सर मुझे वैसे क्लेरिकल जॉब ज्यादा पसंद है। क्लेरिकल जॉब जी सर, मैं आगे ट्राई करूंगा उसी के लिए, क्लेरिकल जॉब के लिए, जो कि दिल्ली के नजदीक मिल जाए आपको। दिल्ली के, क्योंकि हमारा दिल्ली से नजदीक पड़ता है, डेली अप डाउन भी कर सकते हैं, तो दिल्ली फोकस रहेगा कि यहाँ पे जॉब मिल जाए। तो बादल, कितने भाई बहन हो आप? सर मेरे दो सिस्टर हैं, दोनों मैरिड हैं, एक की अभी 18 अप्रैल को शादी हुई है। अच्छा, उसी वजह से मैं नहीं आ पाया था। अच्छा,
तो वो एजुकेटेड है, मतलब उनकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में गई? जी सर, मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसमें बीए एमए बीएड कर रखी है और उसका सीटेट क्वालिफाई है, वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। छोटी सिस्टर? जी सर। चलिए, तो मतलब ये है कि बेशक गांव का माहौल है लेकिन पढ़ाई लिखाई में आपका सब पेरेंट्स ने हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया, उन्होंने पूरी लिबर्टी दी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी उन्होंने ऐसा जोर नहीं डाला कि ये करो, उन्होंने कहा था बीटेक कर लो, मुझे बीटेक नहीं करनी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है जो आपको पसंद है वो करो, फिर मैंने बीएससी की। इसीलिए मेरा थोड़ा ज्यादा पढ़ाई की तरफ भी ये था मेहनत करनी है, क्योंकि उन्होंने तो फ्रीडम दे दी जो आपको पढ़ना है वो कर लो, लेकिन फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा ना कि हमने राइट डिसीजंस लिए, तो इसलिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो कभी डांटते नहीं है पढ़ाई के लिए, कहते नहीं है चाहे पढ़ो मत पढ़ो, वो कहते हैं आपकी आपकी जिंदगी आपके ऊपर है आप करो। तो बहुत अच्छी बात कही इस बच्चे ने, माता पिता के प्रेशर से पढ़ के कोई मुकाम हासिल नहीं करता। माता पिता तो कहते हैं भाई तुम्हारी जिंदगी है, आगे तुम अगर मेहनत करोगे नौकरी मिल जाएगी, तो जिंदगी में बहुत सारी जो दुख है वो कम हो सकते हैं। और सरकारी नौकरी आज की डेट में मैं कहूँगा गाँव देहात में एक बहुत बड़ा सपना माना जाता है। तो अभी पिताजी माताजी कैसे खुश हैं, रिएक्शन कैसा था? जी सर, वो बहुत खुश हैं, स्पेशली मैं मम्मी के कंट्रीब्यूशन को ऐड करना चाहूंगा। पापा तो बाहर रहते थे लेकिन मम्मी मदन ने हमें डांट के रखा, पढ़ाने के लिए हमेशा मोटिवेट किया, कभी ऐसे काम के लिए जोर नहीं दिया ये करो वो करो, फ्रीडम दी। और कभी भी बाहर खेलने जाता था ऐसे कोई वो करता था तो मुझे मारती थी, पढ़ाने के लिए मोटिवेट करती, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आज जो भी है उन्हीं की वजह से। तो बेटा ये जो बच्चा दिख रहा है ना आपको एक्सप्रेशन से भी बड़ा सिंपल सा सीधा सा शरीफ सा, जैसे गांव के अमूमन बच्चे होते हैं, और इतनी भागदौड़ भरी जो मैं कहूँगा दिल्ली है, वहाँ पर आके इसने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने एग्जाम तैयारी की एसएससी की और ये सीपीओ में जो है सफल भी हुए। तो आप लोगों के बीच में से है ये भाई, आप भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि सर हम तो गाँव से, हम क्या ही तैयारी करें, शहर के बच्चे कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं। आज सच्चाई है कि गाँव देहात से जितने सलेक्शन हुए हैं ना उतने शहरों से नहीं हो रहे, गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है तो इसी प्रकार से मेहनत करनी होगी। बादल मुझे बताओ कितना पढ़ते थे भाई दिन में? सर मेरा पढ़ने का कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था कि इतना ही टाइम पढ़ना, मुझे ये था बस सोना पढ़ना और खाना, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि 8 घंटे में हो जाएगा 6 घंटे में हो जाएगा, जितना पढ़ सको पढ़ लो, सिलेक्शन आपका होना है, जितना जल्दी हो जाएगा आपके लिए फायदेमंद है जितना ज्यादा पढ़ोगे। तो ये था कि जितना हो सकता था मैक्सिमम ट्राई करता था पढ़ने के लिए, 8-10 घंटे तो कम से कम निकालता था। तो बदल ये बताओ रीजनिंग का सिलेक्शन में कितना बड़ा योगदान है, मतलब क्या आप खुद से तैयारी करें वो बेटर है या कोचिंग लेने के बाद आपको बहुत फर्क महसूस हुआ? सर पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद से कर लूंगा, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं, आपको रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टाइम बचा के दे सकता है, तो जब मैंने कोचिंग ली मेरी स्पीड बहुत फास्ट हो गई, मुझको थोड़ा टैक्टिक्स पता थी क्वेश्चन कैसे करना, और उसके बाद मेरे 50 out of 50 आए थे रीजनिंग। अच्छा 50 out of 50 रीजनिंग में। और इंग्लिश वगैरह में? इंग्लिश सर 42 थे, वो थोड़ा मेरी वोकैब कमजोर थी, वोकैब कवर नहीं कर पाया था उस वजह से, बाकी ग्रामर मेरी बहुत अच्छी हो गई थी जयदीप सर से पढ़ने के बाद, ग्रामर में फुल आउट। तो कितना टाइम लग रहा था रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जैसे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो? सर 50 क्वेश्चन में ऐसे 25-26 मिनट में करते थे। 25-26 मिनट से? देखो 25 मिनट में सॉल्व करने के बाद भी स्कोर ये 50 लेकर आए हैं, तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा लगातार हो जाती थी पढ़ाई या बीच में कुछ दिन ब्रेक, जैसे कोई फंक्शन आ गया तो ब्रेक हो जाता था? नहीं सर हो जाता है, मेरे घर पे थोड़े ग्रैंडफादर हैं वो काफी ओल्ड एज है तो वो बीमार हो जाते हैं तो मुझे ही लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल, बीच में भी कई सारी डिस्ट्रक्शन आ जाती है, लेकिन मैं ट्राई करता था दोबारा उसी ट्रैक पे आऊं, दोबारा जल्दी से तैयारी शुरू करूं, ये था। तो भी बदल ये बता, मान लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो और मैंने कोई टॉपिक करा दिया आपको डायरेक्शन और 3 दिन आपने क्लास नहीं ली, तो फिर उसको कवर अप कैसे करते थे जल्दी जल्दी? जी सर जनरली मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता था, मैं रिकॉर्डेड लेता था, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी जो स्पीड होती स्पीड है फास्ट फॉरवर्ड करके बहुत अच्छे से कर सकते, मेरा थोड़ा सा आ जाता है जल्दी समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देखता था और 1-2 क्लास हमेशा पीछे चलता था कि अगर बीच में सर की कोई क्लास ना हो तो उससे ये ना हो कि आज वही सर की क्लास नहीं हो रही तो मेरा भी टाइम खराब होगा, मैं तो अपना पढ़ सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा थोड़ा 2-3 क्लास पीछे चलता था और क्लासेस जैसे ही कंप्लीट हो जाती थी बुक्स से रिवीजन वो करता था, प्रैक्टिस करता था प्रीवियस ईयर। अच्छा ये पता भाई ऑनलाइन में कोई डाउट आता तो कैसे क्लियर होता है या नहीं आता था कैसे? सर जनरली ये होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डाउट पूछ लेते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कोई डाउट वगैरह, पहली बात तो डाउट मोस्टली तो आता नहीं है, कोई 1-2 डाउट होता भी है तो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं छोटी मोटी चीजें तो उसे क्लियर हो जाता है। मैं कभी यूट्यूब पे भी क्लासेस लेता हूँ या उस पर मैं कभी कमेंट वमेंट नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है उसकी, टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो इसी हिसाब से पढ़ाते हैं बच्चों के डाउट ना निकले सब कुछ क्लियर करके। अच्छा कभी कमेंट किया ही भी नहीं होगा? जी कभी। तो ये वो बच्चे होते हैं जो साइलेंटली अपनी तैयारी करते हैं, और आप में से कुछ ऐसे होते हैं कि दिन के आपको 50-100 कमेंट करने ही होते हैं, तो वो आपके ऊपर, आप अपना समय कैसे बचाएंगे कैसे बेहतर तैयारी करेंगे, तो एक
पलवल के छोटे गांव से निकला हुआ बच्चा, कौन सा गांव है? पेलक गांव से बच्चा आया है। तो आपके भी हो सकता है कि आपके कुछ नियर बाई हों, पलवल के रहने वाले हों, जिस भाई को या तो जानते भी होंगे या आपके नियर बाई ये बच्चा होगा, तो तैयारी आपको करनी है। प्लानिंग इन्होंने बता दी कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है, कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की है, और ऐसा नहीं कि लगातार ही करनी है, तीन चार दिन नहीं हुई पढ़ाई तो उसको कवर अप करने का भी विकल्प इनके पास है कि कैसे करेंगे। तो टीचर से हमेशा ही पीछे चलते थे कि अगर किसी दिन टीचर ने क्लास नहीं ली तो इनके पास पढ़ने के लिए कोई ना कोई कंटेंट हो। ये बताओ, पढ़ाई करने के लिए जैसे आप रूम पे रहते थे, तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया, रूम पे ही पढ़ते थे? सर नहीं, तैयारी के दौरान तो मैं घर पे ही रहा था। तैयारी के दौरान? जी सर, कॉलेज के टाइम पे रूम पे रहा था, तैयारी के दौरान मैं घर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है जब रूम पे रहा था काफी काम आपको खुद करने पड़ते हैं, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, तो आप थोड़ा टाइम नहीं दे पाते स्टडी को। तो आप अगर घर पे रहोगे, आपके पेरेंट्स सब चीज संभाल लेते हैं, जिम्मेदारी सिर्फ आपको लाइब्रेरी जाना और पढ़ना। लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि घर पे पढ़ाई होती नहीं। नहीं सर, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर आओगे आपको खाना बना मिलेगा, कपड़े आप छोड़ के चले जाओगे धुल जाएंगे, बस आपको पढ़ना है और कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, मतलब घर पे रह के लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तुमने? जी सर। कितने दिन की लाइब्रेरी ज्वाइन? सर लाइब्रेरी मैंने पिछले साल अप्रैल में हमारी कॉलोनी में लाइब्रेरी खुल गई थी गली के बाहर, वही ज्वाइन की थी। एक साल के तकरीबन मैं लाइब्रेरी में पढ़ा और तभी से ही मेरी ज्यादा पढ़ाई हो पाई थी। उससे पहले मैं घर पे ही पढ़ता था, तो उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत हो गई, कोई घर पे आ गया तो उसको भी अटेंड करना पड़ेगा, तो आपकी पढ़ाई खराब होती है। तो मुझे जब लगा कि अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है उतनी अच्छे से, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो ये उन बच्चों को जवाब भी मिल गया जो बच्चे कहते थे कि सर रूम पे तैयारी करनी चाहिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे बेस्ट आपका घर ही है, और अगर आपके घर के आसपास लाइब्रेरी का विकल्प मिल जाए तो सोने पे सुहागा ही है। तो ये बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि आप रूम पे रहेंगे, आपको खाने की टेंशन रहेगी, कपड़ों की टेंशन रहेगी, आप घर में रहते हैं तो आपके मदर हैं, फादर हैं, वो आपके बेसिक नीड्स का ध्यान रखते हैं, तो उससे तैयारी क्या है और भी अच्छी होती है, और खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलता है, बीमार होने के चांसेस। न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान, न्यूट्रिशन का जो है वो पूरा ध्यान रहता है जब आप अपने घर में रहोगे, खासकर गाँव में रहोगे। अगला सवाल मैं पूछूंगा कि रीजनिंग के आपने नोट्स बनाए थे, कैसे बनाए थे वो? सर बेसिकली मैंने जो थोड़े बड़े चैप्टर थे, जैसे सिलोगिज्म हो गया, डाइस हो गया, जिनमें कुछ थोड़े फॉर्मूला यूज होते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसमें तो मैंने किया था, बाकी मैंने वीडियोस देखे थे और प्रैक्टिस की थी। वीडियो और प्रैक्टिस? जी सर। अच्छा बादल, ये बताओ, मैं क्लास में कहता हूँ कि जो मैं क्लास में करा लूँ उतना कर लो, और जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए दो कर लो, सफिशिएंट है तो वो सफिशिएंट रहता है? सर बिल्कुल सफिशिएंट है, जो आप सीट्स प्रोवाइड करते हो। एक दो बार मैंने आपको मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे, उसका आपने रिप्लाई भी दिया था, मुझे एक दो क्वेश्चन में डाउट आए थे, बस वो होता है आप प्रैक्टिस कर लो, डाउट आप क्लियर कराई देते हो। व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल गया था? जी सर बिल्कुल, कोशिश मैं करता हूं रिप्लाई करने की। मैंने सोचा था शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आपका तुरंत रिप्लाई आया था और मेरे डाउट क्लियर हो गया। उस टाइम संयोग से हो सकता है मैं ऑनलाइन हो गया, मैंने देखा बच्चे ने डाउट पूछा है, नहीं तो अभी भी करीब 50-52 हज़ार कन्वर्सेशन जो है पेंडिंग रहती है, सबका डाउट क्लियर कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ना रहे आप लोगों को। तो अब आगे की स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी, नौकरी इसको ज्वाइन करोगे? सर अभी तो मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कंपटीशन टफ है, हर बार ऐसा मौका नहीं मिलता, आप ज्वाइन कर लो, उसके बाद तैयारी कर लेना। मेरा तो पहले मन ये था कि मैं आगे तैयारी करूंगा, इसको छोड़ूंगा, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि ज्वाइन कर लो। बिल्कुल होना भी चाहिए, सही डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि आगे अब तैयारी फिर कर लो, क्योंकि अब तो आपका बेस पूरा मजबूत हो गया है, अब आपको टेंशन नहीं, अब कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा। जी सर बिल्कुल, क्योंकि एक सिलेक्शन लेने के बाद ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब आगे कोई भी एग्जाम हो मैं निकाल लूंगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, टॉपर्स वही होते हैं जो पहले एग्जाम में एक रैंक निकालते हैं, और इतनी खराब नहीं है, 301 रैंक इस बार ले गए, मैं कहूंगा बहुत अच्छी रैंक का, ऑल ओवर इंडिया ये एग्जाम होता है, और उसमें भी अगर इन्होंने 5-7-10 क्वेश्चन और कवर कर लिए, 5-7 क्वेश्चन, तो इस रैंक में भारी उछाल आ जाएगा। सर वो जनरली ये था कि मैंने जीके का कोई बैच नहीं खरीदा था, वो मैंने खुद से इधर उधर से की थी, उसमें जीके में काफी कम मार्क्स रह गए, नहीं तो मुझे लगता है इस बार भी दिल्ली पुलिस मिल सकती थी। तो रीजनिंग में प्री में कुछ आइडिया हो, पूरे आगे जा कुछ कटे 50 out of 50 थे, रीजनिंग में 50 out of 50 थे, तो शुरू से ही मन में था 50 out of 50 आ जाएंगे। जी सर मेरा ये था कि रीजनिंग में तो कम से कम नहीं कटने चाहिए मार्क्स, और मैथ और इंग्लिश में भी किया था कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप ला सकते हो, आपको पता है क्या आना पेपर में। जी के जनरली ऐसा होता है कि आप नहीं ला सकते इतने ज्यादा मार्क्स, लेकिन रीजनिंग तो ला सकते हैं आप। तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आप ही की तरह आपने पहली बार तैयारी की थी, पहली बार कोई फॉर्म भरा आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सर मैं यही कहना चाहूंगा, अपने घर रह के तैयारी करो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ये मत सोचो कि 6 घंटे पढ़ना, 5 घंटे पढ़ना, जितना मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। और आपको मोटिवेटेड रहना है, ये नहीं है कि आपने शॉर्ट्स देख लिए इंस्टाग्राम। मैंने फोन 5 महीने फोन नहीं चलाया था, मैंने अभी 2 महीने पहले मेडिकल से पहले फोन निकाला है, मैंने फोन बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन है। तो फोन छोड़ दो और जितना मैक्सिमम हो सकता है पढ़ाई करो। सुन रहे हो भाई, बड़े कमाल की बात है कि फोन छोड़ दीजिए, जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि फोन एक ऐसा नशा है ना, अगर आप उसमें एक बार लग गए इंस्टाग्राम में या कहीं भी सोशल मीडिया पर, आप अपना कितना समय गवा बैठेंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो बस फोन छोड़ दीजिए, घर पे रह के मेहनत कीजिए,
अच्छा एक बात और बता बच्चा, मेरे बारे में क्या सुधार देना चाहेगा, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ अपनी टीचिंग में? सर मुझे तो कोई ऐसा ईमानदारी से कुछ तो होगा कि तुम्हें लगता होगा कि सर को ये और कर दें तो और बढ़िया हो जाता है। सर बस मेरी तरफ से तो ये होगा कि, लेकिन वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, थोड़ी स्पीड फास्ट के लिए, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए उसको मैं पॉइंट नहीं समझता। हाँ स्पीड तो थोड़ी सी हम स्लो इसलिए रखते हैं क्योंकि हर तरीके का बच्चा है, स्लो लर्नर है, और आप लोगों के लिए हमने स्पीड का ऑप्शन दिया है कि आपको स्पीड कम लगे तो 2x और हमने 3x भी कर दिया उस स्पीड देख के, आप फटाफट से उस कोर्स को कवर कर लें। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन के बाद टीचर्स को याद करते हैं, आते हैं इतनी दूर से। जब ये बच्चा आया एकदम पसीने में भीगा हुआ था, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहा सर भागते भागते आए हूँ, जो टाइम दिया था मैं उसमें लेट हो गया। तो मैंने कहा यहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, आराम से आ जाता। तो ये सिंसियर है, दिखाता है कि बड़ा ईमानदार रहा है बच्चा, सिंसियर रहा है कि अगर ये लेट हो गया टीचर से मिलने में भी, क्योंकि अमूमन बच्चे शाम तक आ जाए हमें तब भी कोई समस्या नहीं होती, हम आपके लिए कभी भी क्लास एडजस्ट करते हैं क्योंकि आपने मेहनत की है। आपको ही देख के ये बच्चे भी मोटिवेट होंगे और ये बच्चे भी जो है सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बादल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरे कैरियर टीम को मेरा थैंक यू, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस में, सभी टीचर्स का थैंक यू। जय हिंद।